नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। चलिए आज बिहार के 15 बड़े खबरों जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपनी तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना के एक साथ 1439 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आज का पहला आंकड़ा जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना की रफ्तार अब धीमी हो गई है। इसके साथ ही बिहार का कुल आंकड़ा अब 1,81,471 हो गया है। वहीं बिहार में एक्टिव केस अब 14,390 हैं। राजधानी पटना की बात करें तो यहां कोरोना के 195 केस मिले हैं। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 892 हो गया है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो राज्य में कोरोना महामारी से महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कोरोना संक्रमितों में 30% महिलाएं हैं, जबकि पुरुषों का अनुपात 70% है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जहां 61,465 महिलाएं कोरोना संक्रमण की शिकार हुई है, वहीं संक्रमित हुए पुरुषों की संख्या 1,18,367 है। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए असरदार दवा ढूंढी है। दवा का नाम टीकोफ्लेनिन है। यह कोरोना की दूसरी दवाओं के मुकाबले 10 गुना अधिक असरदार है। टीकोफ्लेनिन कोरोना के मरीजों को दी जा रही है। अगर इस दवा की बात करें तो ये हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विनिन और लोपिनावीर से भी ज़्यादा असरदार है। यह एक एंटीबायोटिक दवा है। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आज यानी बुधवार को जारी किया जाएगा। सूबे के तमाम BEd कॉलेजों में एडमिशन के लिए 1,25,000 छात्रों ने परीक्षा दी है। परिणाम को लेकर OMR सीट की जांच सहित अन्य प्रक्रियाएं दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने पूरी कर ली है। परिणाम जारी होने के बाद सफल छात्रों के एडमिशन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। एडमिशन की पूरी प्रक्रिया दिसंबर जाएगी। यह परीक्षा 22 सितम्बर को सत्र 2020-22 के लिए राज्य के 10 शहरों में हुई थी। अगली बड़ी खबर, पटना से झारखंड और झारखंड से पटना तक ट्रेन से यात्रा करने वालों यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जी हां, अब पटना से धनबाद और धनबाद से पटना के लिए जल्द ही आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। रेलवे की ओर से धनबाद रेल मंडल ने 11 जोड़ी ट्रेनों को चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें धनबाद से खुलने वाली 7 ट्रेनें शामिल है। आपको बता दें कि धनबाद से पटना के लिए जो ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा उसका परिचालन पहले चरण में ही किया जाएगा, जिसमें धनबाद अलेप्पी एक्सप्रेस, धनबाद पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस, ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस, बरकाकाना पटना पलामू एक्सप्रेस, सिंगरौली पटना पलामू लिंक एक्सप्रेस शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरे चरण में पटना के लिए धनबाद गया इंटरसिटी और धनबाद पटना इंटरसिटी का परिचालन किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद ड्रग चैट केस में जेल में बंद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई। रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती 22 दिनों से जेल में बंद है। रिया की जमानत पर अदालत के फैसला सुरक्षित रखने पर फिलहाल रिया को अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा। दूसरी ओर NCB के बड़े अधिकारी अनिल सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि मैं यह बताना चाहता हूं कि यह एक ड्रग सिंडिकेट है और वे सभी आपस में जुड़े हैं। अब तक गिरफ्तार किए गए सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह एक सिंडिकेट है। सभी लगातार खरीदारी कर रहे थे। 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद जब सोमवार को जिले के स्कूलों को परामर्श कक्षाओं के लिए खोला गया तो 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए संचालित होने वाले इन कक्षाओं के लिए पहले दिन सरकारी स्कूलों में काफ़ी कम संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित हुए। वहीं सभी प्राइवेट स्कूल अभी बंद रहे। किसी भी स्कूल में बच्चे नहीं आए। स्कूल पहुंचने वाले स्टूडेंट के पास पेरेंट्स की लिखित सहमति जरूरी थी। सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति मात्र 10 से 15% थी। अधिकतर में थर्मल स्क्रीनिंग तो नहीं हुई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को एंट्री हुई और क्लास में दूरी बनाकर बैठाया गया। सरकार के द्वारा स्कूल खोलने को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया गया वो आपको भी जानना जरूरी है। इनमें से जो सबसे पहला है वो है
दो बच्चों के बीच कम से कम 6 से 8 बीच का गैप जरूरी है। बिना अभिभावक की लिखित सहमति के छात्र स्कूल नहीं जा सकते हैं। एक छात्र सप्ताह में 2 दिन ही डाउट क्लियर क्लास में बुलाए जाएंगे। शिक्षक कर्मचारी छात्रों की बायोमेट्रिक्स हाजिरी नहीं बनेगी। स्कूल में नियमित अंतराल पर हाथ धोने की व्यवस्था होगी। प्रार्थना सत्र, खेलकूद व भीड़भाड़ वाली गतिविधि स्कूल में वर्जित होगी। स्कूल के प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न होने वाले लक्षण यदि दिखते हैं तो तत्काल चिकित्सीय सलाह की व्यवस्था की जाएगी। मैट्रिक व इंटर की 2022 में होने वाली परीक्षा के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड प्रशासन द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक अभी 9वीं व 11वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 10 से 28 सितंबर के बीच रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना था। निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि सोमवार को समाप्त हो गई, लेकिन अब बोर्ड प्रशासन ने इसे 15 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन करने और शुल्क जमा करने की तिथि को 15 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है कि मुंबई में बिहार के एक और एक्टर अक्षत उत्कर्ष की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अक्षत की हत्या की गई है। उन्होंने मुंबई पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। मुंबई पुलिस ने परिजनों को अक्षत की मौत के मामले में दर्ज हुई प्राथमिकी की कॉपी भी नहीं दी है। अक्षत मूल रूप से मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर के रहने वाले थे। मंगलवार सुबह परिजन अक्षत के शव को विमान से लेकर पटना एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से परिजन शव को मुजफ्फरपुर ले गए। वहीं दूसरी ओर अक्षत के मामा रंजू सिंह ने कहा कि पूरा मामला संदेहास्पद है। अक्षत ने रविवार रात 9:45 बजे पिता विजय किशोर से बात की थी। उसी रात 10:30 बजे से 11 बजे के बीच उनकी मौत की सूचना मिली है। अक्षत के साथ रह रही उनकी महिला मित्र स्नेहा चौहान ने परिजनों को फोन कर घटना की सूचना दी थी। बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित 22 अक्टूबर को होने वाली डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय के माध्यम से इसकी जानकारी सभी केंद्राधीक्षकों को भेजा गया है। बोर्ड के माने तो अब डीएलएड की परीक्षा 10 दिसंबर के बाद लिया जाएगा। जल्द ही नई तिथि की सूचना जारी किया जाएगा। जारी किए गए नोटिस में बोर्ड ने कहा कि अपरिहार्य कारण से संयुक्त प्रवेश परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है। तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को कहा कि मैं ना एनडीए में जा रहा हूं और ना महागठबंधन में रहूंगा। राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में इतनी ताकत नहीं है कि वह बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुक्ति दिला सके। इसके चलते हमने बीएसपी के साथ गठबंधन किया है। हम बिहार को नया और बेहतर विकल्प देने जा रहे हैं। बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला तय किया गया था उसके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में शामिल होने के बाद विधानसभा की 5 सीटें और लोकसभा उपचुनाव की 1 सीट दी जानी थी। अखबारों में विज्ञापन छपवाकर खुद को भावी मुख्यमंत्री बताने वाली और रातों रात सुर्खियों में आई पुष्पम प्रिया चौधरी को बड़ा झटका लग सकता है। पहले चरण में उनकी पार्टी प्लुरल्स 71 सीटों पर पार्टी सिंबल पर अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक पुष्पम प्रिया की पार्टी प्लुरल्स का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है। चुनाव आयोग के पास यह मामला लंबित है और 8 अक्टूबर को 25 दिन पूरे हो रहे हैं। अगर 8 अक्टूबर तक प्लुरल्स की रजिस्ट्रेशन पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज होती है तो 9 अक्टूबर को उनकी पार्टी का स्वतः रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बिहार विधान परिषद के अंतर्गत स्नातक व शिक्षक निर्वाचन के लिए कल 2 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिला किया है। इसमें सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव ने 1 सीट में पर्चा भरा है। वहीं दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के दिलीप चौधरी ने 4 सीट में पर्चा दाखिल किया है। स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 4-4 सीटों पर चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने का कल दूसरा दिन था। इससे पहले सोमवार को अधिसूचना जारी होने के बाद पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया था। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पेशकश को स्वीकार किया जाए या फिर 143 सीट पर चुनाव लड़ने की अपनी योजना पर आगे बढ़ा जाए।
पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी कुछ ही दिनों में इस संबंध में फैसला ले सकती है। 3 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। अंत की बड़ी खबर, राज्य में बाहर से लौटे बच्चों का स्कूल में नामांकन नहीं करने वाले हेडमास्टर व शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को इसकी समीक्षा की गई। इसमें नामांकन प्रक्रिया में लापरवाही करने वाले हेडमास्टर व शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। DPO सर्व शिक्षा अभियान डॉक्टर अमरेंद्र पांडे ने बताया कि सरकार ने अनामांकित स्कूल से बाहर हुए और प्रदेश से लौटे सभी बच्चों की पहचान कर उनका नामांकन स्कूल में कराने का निर्देश दिया था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी स्कूल और प्रखंड से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई थी। जिले में 500 से अधिक स्कूलों में नामांकन संबंधी रिपोर्ट नहीं दी है। सभी BO से 1 सप्ताह में दोषी शिक्षक और हेडमास्टर की सूची मांगी गई है। इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार के बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।